हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है और हम इस चैप्टर को इसी वीडियो में फिनिश कर देंगे। ये आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से, प्लस वन प्लस टू के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपको कराने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स ए पी एन इज ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर एन सच दैट पी वन इज ट्रू। जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ होता है, पहले से क्वेश्चन में हम वन पुट करते हैं, उस पर वो ट्रू हो जाता है। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन एंड इफ पी के प्लस वन इज ट्रू व्हेन एवर पी के इज ट्रू। फिर सेकंड में हम गिवन आपका जो फंक्शन है उसमें इक्वेशन में एक्स की जगह या एन की जगह के पुट करते हैं तो वो ट्रू हो जाता है। द ट्रुथ ऑफ पी के इम्प्लाइज दी टोर्थ ऑफ पी के प्लस वन। फिर हम गिवन इक्वेशन में पी के प्लस वन पुट करते हैं। पी एन इज ट्रू फोर ऑल नेचुरल नंबर्स, दस इन ऑर्डर टू प्रूव ए स्टेटमेंट पी एन टू बी ट्रू फोर ऑल नेचुरल नंबर्स वी गेट द फॉलोइंग वर्किंग रूल्स। ये इसके रूल्स हैं। फर्स्ट आपका प्रूव दैट पी वन इज ट्रू। फर्स्ट में हम प्रूव करेंगे पी वन ट्रू है, पी एन इज ट्रू हो जाएगा फोर एन इक्वल टू वन के लिए। फिर एज्यूम पी के टू बी ट्रू, फिर के पुट करेंगे वो भी ट्रू हो जाएगा। पी एन इज ट्रू फोर एन इक्वल टू के, प्रूव दैट पी के प्लस वन इज आल्सो ट्रू, अर्थात पी एन इज आल्सो ट्रू फोर एन इक्वल टू के प्लस वन। तो जो आपका फंक्शन होता है पहले हम उसमें पुट करते हैं एन इक्वल टू वन ट्रू हो जाएगा, फिर पुट एन इक्वल टू के ट्रू हो जाएगा, फिर लास्ट में एन इक्वल टू के प्लस वन, इसको हम सिद्ध करते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपका ट्रू हो जाएगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। ए पी एन इज ए स्टेटमेंट, पी एन इज द स्टेटमेंट टू की पावर थ्री एन माइनस वन इज ए मल्टीपल ऑफ सेवन देन प्रूव दैट पी फाइव इज ट्रू। यहाँ पर देखिए ध्यान से, हेयर पी एन ये आपका दिया इज ए मल्टीपल ऑफ सेवन, तो यहाँ पर हम पी फाइव रखेंगे फ्रेंड्स, एन की जगह फाइव रखेंगे, तो यहाँ पर एन की जगह फाइव रखिए तो टू की पावर फिफ्टीन माइनस वन, तो ये आएगा थ्री टू सेवन सिक्स सेवन इज ए मल्टीपल ऑफ सेवन विच इज ट्रू, हैंस पी फाइव इज ट्रू। तो यहाँ पर पी फाइव आपका ट्रू हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेयर पी एन इक्वल टू दिया हुआ एन इन टू एन प्लस वन एन प्लस टू इज डिविजिबल बाई ट्वेल्व, तो यहाँ पर पी थ्री थ्री रखेंगे एन की जगह, तो यहाँ पर क्या आएगा सिक्सटी इज डिविजिबल बाई ट्वेल्व विच इज ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। पी फोर फोर रखेंगे वन ट्वेंटी डिविजिबल बाई ट्वेल्व विच इज ट्रू, फाइव रखेंगे एन की जगह टू टेन इज डिविजिबल बाई ट्वेल्व विच इज नॉट ट्रू, ये इस पर ट्रू नहीं होगा क्योंकि ट्वेल्व से डिवाइड नहीं होता है। हैंस पी थ्री एंड पी फोर आर ट्रू बट पी फाइव इज नॉट ट्रू आपका आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पी एन आपका दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये पी टू रखेंगे हम, एन की जगह हम टू रखेंगे फ्रेंड्स, तो वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर एन की जगह हम टू रखेंगे तो आपका ये आएगा। तो यहाँ पर देखिए पी टू फर्स्ट के टू टर्म्स हम ले लेंगे यहाँ पर, तो ये आपका आया वन प्लस फोर इक्वल टू टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव, सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाएगा, फाइव इक्वल टू फाइव विच इज ट्रू आपका हो जाएगा, पी टू इज ट्रू। चलते हैं पी फाइव, ये पी फाइव है तो शुरुआत की लेफ्ट हैंड साइड की फाइव टर्म्स का सम ले लेंगे। यहाँ पर राइट हैंड साइड में हम यहाँ पर फाइव पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाएगा, फिफ्टी फाइव इक्वल फिफ्टी फाइव विच इज ट्रू, तो यहाँ पर पी फाइव भी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हेयर पी एन इक्वल सच दैट टू की पावर एन ग्रेटर देन थ्री एन, इट इज़ गिवन दैट पी के इज ट्रू, तो एन की जगह के रखेंगे फ्रेंड्स, तो एन की जगह के, तो टू की पावर के ग्रेटर देन थ्री के इज ट्रू। फिर हम प्रूव करेंगे पी के प्लस वन इज आल्सो ट्रू, तो यहाँ पर एन की जगह के प्लस वन रखेंगे, यहाँ भी के प्लस वन, एन की जगह के प्लस वन, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका आएगा टू की पावर के ग्रेटर देन थ्री के, ये यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर लिया गया है, ये
टू की पावर के ग्रेटर देन थ्री के, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई टू, टू से मल्टीप्लाई किया, टू की पावर के प्लस वन ग्रेटर देन सिक्स के, तो यहाँ पर क्या है फोर के ग्रेटर देन वन। तो यदि k की वैल्यू वन से बड़ी है तो यहाँ पर थ्री के ग्रेटर देन हो जाएगा थ्री से, थ्री के प्लस थ्री के लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी थ्री के ऐड किया, सिक्स के ग्रेटर देन थ्री कॉमन लिया इंटू के प्लस वन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से क्या करेंगे हम कि टू की पावर के प्लस वन ग्रेटर देन सिक्स के है, बट सिक्स के इससे बड़ा है तो टू के प्लस वन ग्रेटर देन थ्री इंटू के प्लस वन, हैंस पी के प्लस वन इज ट्रू। तो ये आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पी एन आपका दिया हुआ है एन स्क्वायर प्लस एन जी वन, तो यहाँ पर के पुट करेंगे एन की जगह, के प्लस के स्क्वायर प्लस के जी वन, फिर हम के प्लस वन पुट करेंगे, तो यहाँ पर एन की जगह के प्लस वन पुट करेंगे ई वन, तो यहाँ पर ये आपका आएगा परफेक्ट स्क्वायर खोलेंगे सॉल्व किया जाएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस टू इंटू के प्लस वन, तो के स्क्वायर प्लस के तो पहले ही यहाँ पर ट्रू था, ई वन था फ्रेंड्स, टू से ये मल्टीप्लाई हुआ के प्लस वन विच इज ई वन, तो टोटली ये ई वन हो जाएगा इक्वल टू सिक्स, हेंस पी के प्लस वन इज ट्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट द फॉलोइंग फोर आल एन बिलोंग टू एन, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस एन का स्क्वायर इक्वल एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे पी एन सच दैट इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर वेन एन इक्वल टू वन, एन की जगह वन पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, एन की जगह वन पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या है वन आ जाएगी, सेकेंड राइट हैंड साइड में इनकी जगह वन रखेंगे सिक्स ओवर सिक्स वन बार, तो विच इज़ ट्रू, इसका मतलब पी वन इज ट्रू। फ्रॉम लेट अस एज्यूम दैट जो आपकी इक्वेशन है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में एन की जगह के पुट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जहाँ कहीं भी आपको एन दिखाई देता के पुट किया, ये अपने आप ही विच इज ट्रू हो जाता है फ्रेंड्स, तो ये विच इज ट्रू आपका हो जाएगा एन इक्वल टू के लिए। फिर वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस वन इज आल्सो ट्रू, फिर हम इक्वेशन फर्स्ट में एन की जगह के प्लस वन पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड हम ले करके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम जब ले करके चलेंगे वन बाई सिक्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक यहाँ पर इस इक्वेशन से ये आपका किसके इक्वल होता है, ये आपका होता है वन बाई सिक्स के इंटू के प्लस वन टू के प्लस वन, यूजिंग फोर का प्रयोग करके देखिए वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर एंड सो वन प्लस के स्क्वायर इसके इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम इसे रख देंगे। और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए के प्लस वन यहाँ से कॉमन बाई सिक्स, ये आपका आया के प्लस वन यहाँ से कॉमन लिया फ्रेंड्स, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंदर बनी सॉल्व करेंगे इक्वल टू आर एच एस, दस पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। फ्रेंड्स ये आपका प्रूव यहाँ पर हो जाएगा। तो जो आपका फंक्शन होता है उसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान करके एन की जगह वन, एन की जगह के और लास्ट में इनकी जगह k प्लस वन पुट कर देते हैं। हर एक क्वेश्चन में यही प्रोसेस आपका रहेगा। यूजिंग बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन सच दैट इक्वेशन फर्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड वन पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आपकी ले ली जाएगी, राइट हैंड साइड में इनकी जगह वन पुट करोगे तो ये वन आएगा, पी वन इज ट्रू हो जाएगा। लेट अस एज्यूम दैट द रिजल्ट पी के इज ट्रू, एन इक्वल टू के पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में हम, जब के पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन फोर आ जाएगी, फिर हम इक्वेशन फर्स्ट में के प्लस वन पुट करेंगे फ्रेंड्स एन की जगह तो ये आएगा, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम फ्रॉम फोर्थ से राइट हैंड साइड को यहाँ पर रख देंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। सॉल्व करने के बाद जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, दस पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फोर एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। तो ये आपका प्रूव हो चुका है फ्रेंड्स यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एन सच दैट इसे भी फर्स्ट मानेंगे, वन पुट करेंगे फर्स्ट टर्म लेंगे, राइट हैंड साइड वन पुट करोगे तो वन आ जाएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स पी वन इज ट्रू आपका हो जाएगा। फिर इक्वेशन फर्स्ट में एन की जगह के पुट करेंगे विच इज ट्रू, ये होता ही है, फिर हम इक्वेशन फर्स्ट में एन की जगह के प्लस वन पुट करेंगे तो ये आपका आएगा फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ये आपका आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी हम वैल्यू रखेंगे फ्रॉम फोर्थ से, तो ये इसमें वैल्यू रखी जाएगी, वैल्यू रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करने के बाद फैक्टराइज किया जाएगा और ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर दस पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, हेंस वाई द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन
pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव द फॉलोइंग फॉर ऑल n बिलोंग टू n. तो यहाँ पर pn सच दैट लेट करेंगे फर्स्ट, फिर यहाँ पर n की जगह वन पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म आपकी फोर है तो यहाँ पर ये राइट हैंड साइड में वन पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, पी एन इज ट्रू हो जाएगा, पी वन इज ट्रू. फिर हम इक्वेशन फर्स्ट में एन की जगह के पुट करेंगे, ये विच इज ट्रू होता ही है. फिर हम इक्वेशन फर्स्ट में एन की जगह के प्लस वन वन पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा. सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक फ्रॉम फोर्थ से 2k into k plus 1 हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे. सॉल्व करने के बाद ये राइट हैंड साइड आ जाएगा. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये आपका प्रूव हो जाएगा. फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट द फॉलोइंग फोर ऑल n बिलोंग टू n नेचुरल नंबर्स पी एन सच दैट हम लेंगे यहाँ पर फर्स्ट मानेंगे, फिर यहाँ पर वन पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में. जब हम वन पुट करेंगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म वन का स्क्वायर वन हो जाएगा आपका, तो राइट हैंड साइड वन पुट करेंगे तो पी वन इज ट्रू हो जाएगा. फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें एन की जगह के पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में. जब हम के पुट करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा विच इज ट्रू, ये होता ही है. फिर वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, तो यहाँ पर के प्लस वन पुट करेंगे फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में. फ्रॉम फोर्थ से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम इक्वेशन जो ये आपकी दी हुई है, यहाँ पर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये आपका आएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इक्वेशन फोर्थ से वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई किया जाएगा. सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी ये राइट हैंड साइड आपकी ले ली जाएगी और राइट हैंड साइड लेने के बाद में फ्रेंड्स आपका 10 पी के प्लस वन इज ट्रू, पी के इज ट्रू, हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फोर ऑल एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर. यहाँ पर ये आपका आ जाएगा यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव द फॉलोइंग फोर ऑल एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर पी एन सच दैट 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus and so on एन इंटू एन प्लस वन, ये इसको फर्स्ट माना जाएगा, फर्स्ट टर्म आपकी ली जाएगी. एन इक्वल टू वन पुट किया जाएगा राइट हैंड साइड में, ये टू इक्वल टू टू आ जाएगा, पी वन इज ट्रू. फिर पुट एन इक्वल टू के इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर लेफ्ट राइट में के पुट होगा, ये विच इज ट्रू होता ही है. फिर वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, के प्लस वन हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर इसको रखने के बाद फ्रेंड्स फिर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक फ्रॉम फोर्थ से इसकी वैल्यू रखी जाएगी. वैल्यू रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते आपकी राइट हैंड साइड आएगी और ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव द फॉलोइंग फोर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर पी एन सच दैट, इसको लिया जाएगा फिर लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट टर्म में वन, राइट हैंड साइड एन की जगह वन रखा जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, तो एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन, वन से एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल होगा वन आ जाएगा विच इज ट्रू. इसका मतलब पी वन इज ट्रू आपका हो जाएगा. लेटेस्ट एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फोर पी के, अर्थात एन इक्वल टू के पुट करेंगे तो ये विच इज ट्रू होता ही है, इक्वेशन फोर हो जाएगी. फिर हम फर्स्ट इक्वेशन पी के प्लस वन पुट करेंगे, के प्लस वन पुट करने के बाद लेफ्ट और राइट हैंड साइड में इसकी जो आपकी इक्वेशन ये आपकी फिफ्थ मान सकते हो आप इसे, लेफ्ट हैंड साइड ली जाएगी यहाँ पर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम फ्रॉम फोर्थ से इसकी वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके राइट हैंड साइड आएगी. दस वाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फोर एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू के एंड एन इक्वल टू के प्लस वन एंड ऑल नेचुरल नंबर्स हैंस प्रूव्ड, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव द फॉलोइंग फोर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स पी एन सच दैट, लेट कर लेंगे फ्रेंड्स इसे, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हम इसकी लेंगे ए है राइट हैंड साइड में, एन की जगह हम यहाँ पर वन रखेंगे, टू से टू कैंसिल हो जाएगा ए आएगा विच इज ट्रू हो जाएगा, पी वन इज ट्रू. फिर हम इक्वेशन फर्स्ट में एन की जगह के रखेंगे, के रखने के बाद ये ट्रू होता ही है. फिर हम इक्वेशन फर्स्ट में एन की जगह के प्लस वन रखेंगे, फिर हम इसकी जो इक्वेशन आपकी फिफ्थ यहाँ पर फ्रेंड्स आई हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम इसकी वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू आपकी ये दी हुई है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपकी RHS के इक्वल आ जाएगी, तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये आपका ट्रू हो जाएगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव द फॉलोइंग फोर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर लेट पी एन सच दैट 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे
फर्स्ट टर्म 1/2, राइट हैंड साइड लेंगे 1 - 1/2, 1/2, P1 इज ट्रू हो जाएगा। लेट अस एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर PK, अर्थात यहाँ पर n इक्वल टू k मानेंगे, जहाँ कहीं भी आपको n दिखाई देता वहाँ k रख देंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। इक्वेशन फोर्थ माना जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे फ्रेंड्स n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करेंगे लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। फिर इस इक्वेशन फिफ्थ की हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इक्वेशन फोर्थ से वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और ये आपके राइट हैंड साइड आ जाएगी। इक्वेशन फिफ्थ की प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव द फॉलोइंग फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर PN, लेट करेंगे सच दैट 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 इस तरीके से। फिर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट टर्म आपकी ये आ चुकी है, राइट हैंड साइड में इनकी जगह 1 रखेंगे तो 1/15 विच इज ट्रू हो जाएगा, P1 इज ट्रू। लेट अस एज्यूम दैट इक्वेशन फर्स्ट में इनकी जगह k रखेंगे, इक्वेशन फोर्थ आपकी बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट में इनकी जगह k प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ पर ही आपकी लेफ्ट हैंड साइड, इसे फिफ्थ मान सकते हो आप। इक्वेशन फिफ्थ की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें, इक्वेशन फोर्थ से इस वैल्यू को यहाँ पर हम रखेंगे फ्रेंड्स, LCM लेकर के इसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो यहाँ पर प्रूव दैट द फॉलोइंग फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, लेट PN सच दैट 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 एंड सो ऑन। इक्वेशन फर्स्ट, फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फर्स्ट टर्म को ले लिया जाएगा, राइट हैंड साइड में इनकी जगह 1 रखा जाएगा तो 1/3 इक्वल टू 1/3 आपका आएगा, P1 इज ट्रू हो जाएगा। लेट अस एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर PK इक्वल टू, अर्थात n इक्वल टू k पुट करेंगे, n इक्वल टू k पुट करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड में इनकी जगह k रखेंगे, ये आपकी इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी। फिर हम इक्वेशन फर्स्ट में n की जगह k प्लस 1 रखेंगे, k प्लस 1 रखने के बाद यहाँ पर ही आपकी इक्वेशन फिफ्थ की लेफ्ट हैंड साइड ली जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इक्वेशन फोर्थ से इसको यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर रखने के बाद इसका LCM फ्रेंड्स यहाँ पर लिया जाएगा, LCM लेकर के हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड आएगी, दस PK प्लस 1 इज ट्रू, वाट एवर PK इज ट्रू, हेंस वाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PN इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए, ये आपका यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव द फॉलोइंग फॉर ऑल n belong to natural number, यहाँ पर let PN such that 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस एंड सो ऑन, 1/n × n प्लस 1 × n + 2 इक्वल टू n × n + 3/4 × n + 1 × n + 2। इक्वेशन फर्स्ट आपकी हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पर लेंगे 1/6, राइट हैंड साइड में हम n की जगह 1 रखेंगे 1/6, P1 इज ट्रू आपका हो जाएगा, लेफ्ट राइट आपके इक्वल हो चुकी हैं। इक्वेशन फर्स्ट में n इक्वल टू k पुट किया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड, इक्वेशन सेकंड आपकी हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट PK प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, लेफ्ट और राइट में हम वैल्यू रखेंगे n की जगह k प्लस 1, तो यहाँ पर ही आपकी इक्वेशन फिफ्थ आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर ये बनेगी। इक्वेशन फिफ्थ बनने के बाद इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, यहाँ पर जो इक्वेशन सेकंड है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसकी वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड से पुट करेंगे, k × k + 3/4 × k + 1 × k + 2। फिफ्थ की लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, इसमें वैल्यू रखने के बाद इसका कॉमन लिया जाएगा 1/k + 1 × k + 2 ब्रैकेट k × k + 3/4 प्लस 1/k + 3 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर LCM लिया जाएगा, LCM लेकर के सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के बाद ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे की नीचे यहाँ पर जो कैंसिल होता है उसे हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ से इसके फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद आपका ये राइट हैंड साइड आ जाएगा। दस वाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यहाँ पर PK प्लस 1 इज ट्रू, n = 1, n = 2, n = n + 1 ऑल नेचुरल नंबर्स, दस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज ट्रू। तो यहाँ पर यूजिंग वाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दी फॉलोइंग फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन, n³ + 3n² + 5n + 3 इज डिविजिबल y³ हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर भी लेट PN सच दैट n³ + 3n² + 5n + 3 इज डिविजिबल y³, यहाँ पर n की जगह 1 पुट किया जाएगा, 12 आया, 12 डिविजिबल y³ है, P1 इज ट्रू हो जाएगा। फिर यहाँ पर n की जगह k पुट किया जाएगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट माना जाएगा। फिर n की जगह k प्लस 1 पुट किया जाएगा, यहाँ पर पुट करने के बाद में फिर आपका ये आएगा। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसको यहां पर देखिए k³ + 3k² + 3k + 1, ये तो यहां से डिविजिबल है आपका, इसके बाद 3 ये कॉमन आ जाएगा 5k + 8, तो यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका यहां पर ये आएगा, इसको यहां पर फ्रेंड्स फिर हम यहां पर
12 को 3 प्लस 9 हम यहाँ पर चेंज कर देंगे 6 के स्क्वायर को, यहाँ पर 3 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, इसे सॉल्व करने के बाद ये टोटल विच इज डिविजिबल बाई 3, और यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पर प्रूव हो जाएगा फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर देंगे। यहाँ पर देखिए, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 2^3n-1 डिविजिबल बाई 7, लेट पी एन सच दैट 2^3n-1 डिविजिबल बाई 7, एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे फ्रेंड्स तो 7 ही आएगा विच इज डिविजिबल बाई 7, पी 1 इज ट्रू आपका हो जाएगा। लेट अस एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू 4, पी के एन इक्वल टू के पुट करेंगे तो ये अपने आप ही डिविजिबल बाई 7 होता है, पी के प्लस 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर ही आपका आ जाएगा डिविजिबल बाई 7। यहाँ पर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये हो जाएगी 2^3, और यहाँ पर 2^3 के माइनस 1 तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2^3 के माइनस 1 प्लस 7, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए प्लस 7 विच इज डिविजिबल बाई 7 आपका हो जाएगा, और ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव द फॉलोइंग, 4 ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 4, पी एन लेट पी एन से इसे हम पी एन सच दैट 7^n-3^n इज डिविजिबल बाई 4, 1 पुट करेंगे 4 विच इज डिविजिबल बाई 4, पी 1 इज आपका ट्रू हो जाएगा। लेट अस एज्यूम दैट पी के इज ट्रू 4, एनी नेचुरल नंबर के, तो यहाँ पर एन की जगह के रखेंगे, ये डिविजिबल होता ही है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब डिविजिबल बाई 4 है तो 7^k-3^k 4m मानेंगे यहाँ पर, वेयर सम m इज सम इंटीजर, फिर k प्लस 1 यहाँ पर पुट करेंगे, k प्लस 1 पुट करने के बाद फिर हम इसको लेंगे फ्रेंड्स, इसको लेने के बाद आपका ये आ जाएगा यहाँ पर 7^k+1 को 7^k × 7, यहाँ पर -3^k+1 3^k × 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 3^k, देखिए यहाँ पर तो ये आपका आ जाएगा 3^k इधर चला जाएगा, 4m इधर आपका आ जाएगा, तो ये आएगा 4m+3^k, 7^k की जगह हम इसे रख देंगे तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा (7^-3^k)×3, तो यहाँ पर 4m.7 7 से मल्टीप्लाई की 3^k×7-3^k×3, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 4m.7 3^k कॉमन लिया तो ये आपका विच इज डिविजिबल बाई 4 टोटल हो जाएगा, दस पी के प्लस 1 इज ट्रू हो जाएगा। हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नंबर्स एन इक्वल, अर्थात 7^n-3^n इज डिविजिबल बाई 4, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव द फॉलोइंग, 4 ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 8 है फ्रेंड्स, यहाँ पर एन की जगह 1 पुट करेंगे तो ये डिविजिबल बाई 8 आ जाएगा, पी 1 इज ट्रू, फिर एन की जगह के पुट करेंगे ये डिविजिबल बाई 8 आपका होता ही है, फिर के प्लस 1 पुट करेंगे, इसको हम लेंगे, फिर हम यहाँ पर इसकी 3^2k+2 है आपका, इसको हम क्या करेंगे 3^2k.3^2 तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे 9×3^2k, यहाँ पर देखिए ये डिविजिबल बाई 8 आपका दिया हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा बाई फर्स्ट, फर्स्ट से हम इसे ले लेंगे क्या 3^2k-1+8, तो यहाँ पर ये डिविजिबल बाई 8 यहाँ पर हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट द फॉलोइंग, 9^(n-8)-1 इज डिविजिबल बाई 8, तो यहाँ पर फ्रेंड से आपका आएगा लेट पी एन सच दैट 9^(n-8)-1 इज डिविजिबल बाई 8, पी वन ट्रू कब होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एन इक्वल 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये 0 आएगा, 0 इज डिविजिबल बाई 8, फिर यहाँ पर एन की जगह के पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट आपका हो जाएगा, फिर के प्लस 1 पुट करेंगे तो आपका ये आएगा, इसको हम ले करके चलेंगे, हम इसको 9×9^(-8)×8^-1, तो 9 इंटू यहाँ पर देखिए इसे 9^(-8)×-1 डिविजिबल बाई 8 ये आपका है ही यहाँ पर, तो देखिए इसको हम ले करके चले (+8)(-8)), ये आपका है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम इसकी वैल्यू ले लेंगे, डिविजिबल बाई 8 है तो 9^(-8)-1 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर देखिए 8 यहाँ से हमने 8^(-8) आपका आ चुका है, 9 जब हमने कॉमन ले सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा, इसके बाद में 9×9^(-8)-1 ब्रैकेट क्लोज (+8)×8^(-1)+1, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका विच इज डिविजिबल बाई 8 यहाँ पर ये हो जाएगा, 10 बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव हो चुका है। डिविजिबल बाई 9 तो 1 पुट करेंगे 36 डिविजिबल बाई 9,
एन की जगह के पुट करेंगे डिविजिबल बाई 9, फिर के प्लस 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर के प्लस 1 पुट करने के बाद आपका ये आएगा। इसे आने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे और ये डिविजिबल बाई 9 आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट इज डिविजिबल बाई 9, तो यहाँ पर पी एन सच दैट 10^(n+3) डॉट 4^(n+2) +5 इज डिविजिबल बाई 9, एन की जगह हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर डिविजिबल बाई 9 हो जाएगा। तो पी 1 इज ट्रू आपका हो जाएगा, फिर एन की जगह हम के पुट करेंगे डिविजिबल बाई 9 हो जाएगा। तो ये 9m हम इसे मान लेंगे, के प्लस 1 रखेंगे, एन की जगह के प्लस 1 डिविजिबल बाई 9, फिर हम इसको लेकर के चलेंगे 10^(k+1) है 10 × 10^(k+3) डॉट 4 डॉट 4^(k+2) +5, यहाँ पर ये आपका सेम है, यहाँ पर 3^4 = 12 हो जाएगा, 4^(k+2) +5, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 × यहाँ पर आपका आ जाएगा 10^k की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दी जाएगी। उसके बाद इस वैल्यू को रखने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई होगी इसकी, मल्टीप्लाई होने के बाद में आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 90m - 18 डॉट 4^(k+2) -45 हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 9 कॉमन आ जाएगा पूरे में से, विच इज़ डिविजिबल बाई 9, और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आपका प्रूव हो जाएगा। ऐसे डिविजिबल बाई 11 1 रखेंगे तो यहाँ पर डिविजिबल बाई 11 है, पी 1 इज ट्रू, फिर के रखेंगे डिविजिबल बाई 11, के प्लस 1 रखेंगे तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स फिर हम क्या करेंगे, रखने के बाद हम यहाँ पर इसकी वैल्यू है जो 10^(2)-1 +1 -99 अपनी तरफ से -99 यहाँ पर देखिए 1 की जगह हम लिख सकते हैं 100 + 99 1 की जगह 100 + 100 -99 तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो 10 का शुक्र यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ पर 99 को हम 11 × 9 तो डिविजिबल बाई ये 11 आपका हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये आपका प्रूव हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट द फॉलोइंग फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन, ये डिविजिबल बाई 25 है, पी एन सच दैट डिविजिबल बाई 25 1 रखेंगे 50 आएगा डिविजिबल बाई 25, फिर एन की जगह के रखेंगे डिविजिबल बाई 25, के प्लस 1 रखेंगे 25m हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको लेंगे के प्लस 1 रखने के बाद डिविजिबल बाई 25 हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद 7^2 × 7² ये आपका आएगा, 7^2 × 49 इसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ सॉल्व हुआ। इसके बाद 7^2 = 49 +2^3 - 3 / 3^(k-1) यहाँ 24 की जगह हम 49 - 25 लिख सकते हैं। इसको हम 49 देखिए इससे अलग मल्टीप्लाई किया, 25 से अलग मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा डिविजिबल बाई 25, यहाँ पर ये आपका रिमेनिंग है फ्रेंड्स। यहाँ पर 25 हम कॉमन लेंगे पूरे में से तो विच इज़ डिविजिबल बाई 25 आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये आपका प्रूव हो जाएगा। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट द फॉलोइंग, ये आपका है लेट पी एन सच दैट x + 4x + 7x & so on +3n - 2 × x ये आपको लाना है। वैन एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपकी x है, राइट हैंड साइड में 1 पुट करेंगे, x ही आपका आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो विच इज ट्रू, p1 इज ट्रू, फिर लेट अस एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू 4pk एन इक्वल टू k पुट करेंगे तो यहाँ पर k पुट हो जाएगा n की जगह, ये आल्सो ट्रू होता है, फिर k प्लस 1 यहाँ पर रखेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम इसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के बाद ये राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी, ये आपका 10 pk + 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट द फॉलोइंग, यहाँ पर इसको लिया जाएगा, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज पी एन सच दैट माना जाएगा, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट टर्म आप 1 का स्क्वायर 1 है, फिर हम एन की जगह 1 रखेंगे 1/3, तो 1 ग्रेटर होता है 1/3 से, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, पी 1 इज ट्रू, फिर हम यहाँ पर एन की जगह के रखेंगे, ये विच इज ट्रू आपका होता ही है, के प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ पर इसे 5th मान लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम इसको यहाँ पर 4th इक्वेशन से हम इसे लिखेंगे, यहाँ पर इसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के बाद फ्रेंड्स ये आपका आएगा, ये ग्रेटर है इससे, तो लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन RHS फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आपका प्रूव हो जाएगा। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 2^(n>n फॉर एवरी नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पर 1 रखेंगे फ्रेंड्स, 2 ग्रेटर होता है 1 से, p1 इज ट्रू, k रखेंगे विच इज ट्रू, k प्लस 1 यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर लेट
टू की पावर के इक्वल टू ए प्लस के हम मान लेंगे यहाँ पर, फिर के प्लस वन रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे, ये इसका इससे ग्रेटर आएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये आपका प्रूव हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट टू की पावर फाइव एन ग्रेटर देन थ्री की पावर थ्री एन, वन रखेंगे फ्रेंड्स, टू पावर फाइव ग्रेटर देन थ्री पावर थर्टी टू ग्रेटर देन ट्वेंटी सेवन विच इज ट्रू, पी वन इज ट्रू हो जाएगा, फिर के रखेंगे विच इज ट्रू होता है, के प्लस वन रखेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ये आ जाएगा बाई फर्स्ट का यूज करने के बाद। तो यहाँ पर टू की पावर फाइव ग्रेटर देन थ्री पावर थ्री मल्टीप्लाइंग सेकेंड एंड थर्ड, लेफ्ट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई, राइट को राइट मल्टीप्लाई, ये आपका प्रूव हो चुका है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्क्वायर ग्रेटर देन टू एन, तो यहाँ पर थ्री पुट करेंगे, वन टू थ्री कुछ भी पुट कर सकते हो आप, तो ये थ्री का स्क्वायर नाइन ग्रेटर देन सिक्स आपका हो जाए विच इज ट्रू, पी थ्री इज ट्रू, फिर के पुट करेंगे विच इज ट्रू होता है, के प्लस वन पुट करेंगे, के स्क्वायर ग्रेटर देन टू के, एडिंग टू के प्लस वन ऑन बोथ साइड्स, इसे ऐड करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बनेगा आपका, ये आएगा। उसके बाद में यहाँ से टू कॉमन लिया जाएगा, यहाँ पर देखिए टू के प्लस टू और यहाँ पर टू के माइनस वन, टू यहाँ से कॉमन लिया जाएगा, टू के माइनस वन आपका आ जाएगा। फिर हम आगे से सॉल्व करेंगे तो ये आपका है टू इंटू के प्लस वन प्लस टू के माइनस वन, तो यहाँ पर देखिए के प्लस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन टू के इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन टू इंटू के प्लस वन आपका आ जाएगा, टू के माइनस वन ग्रेटर देन जीरो आपका है, फोर आल के ग्रेटर देन इक्वल टू वन, दस पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फोर आल एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तो यहाँ पर ये प्रूव आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट एन स्क्वायर प्लस एन इज इवन, तो इवन के लिए वन पुट करेंगे, टू ई आपका इवन है, पी वन इज ट्रू, के पुट करेंगे इवन है, के प्लस वन पुट करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, ये टोटली आपका इवन हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नेचुरल नंबर लेट पी एन सच दैट, ये फर्स्ट मान लिया, वन पुट करेंगे, वन पुट करने के बाद फ्रेंड्स ये आपका इसे हम सॉल्व करेंगे, 15 से 15 कैंसिल होगा, वन वन विच इज ए नेचुरल नंबर, पी वन इज ट्रू, के पुट करेंगे इज ए नेचुरल नंबर, वी हैव टू प्रूव दैट के प्लस वन इज आल्सो ट्रू, जहाँ कहीं भी आपका एन है वहाँ के प्लस वन हम यहाँ पर रख देंगे, रखने के बाद फ्रेंड्स आपका यह विच इज ए नेचुरल नंबर, यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसे बाइनोमियल थ्योरम से खोलेंगे, यहाँ पर भी हम इसे सॉल्व करेंगे, ये आपका सॉल्व हो जाएगा, इसको लग लेंगे, इसको लग लेंगे, इसको लग लेंगे, ये आपका यहाँ पर क्या होता है, ये नेचुरल नंबर है ही, जब हमने के पुट किया यहाँ पर देखिए इसको विच इज ए नेचुरल नंबर, ये टोटली आपका एक नेचुरल नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स, बाई सेकेंड से ये नेचुरल नंबर है, ये आपका क्या बिलोंग टू एन करता है, और यहाँ पर 10 पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फोर आल एन नेचुरल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है इस वीडियो के साथ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।